बोलो ना। सो गाइस फाइनली हो चुका है, देख सकते हैं बैटरी कैसे करके हम लोग एडजस्ट किए हैं तार वार से, देख सकते हैं बाइक में लाइन भी आ गया। चलिए तो चलते हैं आसनसोल और जल्दी से अपना बैटरी लेके आते हैं। सो है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो गाइस तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना बाइक का बैटरी लेने के लिए, जो रिसेंटली में मैंने अभी लेके आया था, क्योंकि अभी भी 3 साल का वारंटी बाकी था। ठीक है, तो अभी 12 महीना कुछ हुआ था मेरा बैटरी का। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं रौनक का बाइक का बैटरी लगा के मैं जा रहा हूँ। अभी कवर तो लग नहीं रहा था क्योंकि वो मोटा बैटरी था और ये थोड़ा लंबा बैटरी है, तो पूरी कवर तो बैठ नहीं रहा था। और अभी मैं जा रहा हूँ आसनसोल अपना बैटरी लेने, और भैया ने बोला कि भैया बैटरी आपका ठीक है, हो सकता है आपका बाइक में ही प्रॉब्लम हो तो अपना बाइक को लेके आइएगा। तो अभी मैं अपना बाइक को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे बाइक में प्रॉब्लम रही तो बाइक को दिखाना पड़ेगा गाइस, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बैटरी लेके आऊँगा, अगर बाइक में प्रॉब्लम रहा तो फिर हमारा बात हो चुका है शशि भैया से। ठीक है, तो शशि भैया ने बोला कि ठीक है मैं बना दूंगा, भैया आप बाइक लेके पहले आओ। तो बाइक में तो बैटरी था नहीं, तो मैं ले जा नहीं पाया, उस कारण आज जा रहा हूँ, बैटरी लेके आऊँगा, पहले देखता हूँ क्या चीज़ में प्रॉब्लम था। ठीक है, उसके बाद फिर आके देखते हैं। बाइक में कुछ खर्चा वगैरह अभी भी है तो देखते हैं, क्योंकि ये तो अपनी जान है गाइस, क्योंकि अगर ये ख़राब रहेगी तो अपनी ब्लॉगिंग परमानेंट वीडियो आने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसको सबसे पहले ओके रखना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, तो इसलिए सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसमें सारा काम करवा के रेडी रखना चाहता हूँ, कोई भी दिक्कत मेरे को अपना ब्लॉगिंग सेटअप में नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पहले इसको देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। ट्रैफिक तो यहाँ पे इतना ज़्यादा दे दिया है ना, पहले इतना ट्रैफिक नहीं था इस जगह पे, अभी पूरा हार्ड ट्रैफिक दे के रखा है। और देख सकते हैं चेकिंग वगैरह पूरा, उधर चलान वगैरह कट रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं जल्दी और फिर देखते हैं। सारे जगह पे देख सकते हैं, हर जगह पे चेकिंग पोस्ट दे दिया गया है, ट्रैफिक लाइट वगैरह सब जगह अवेलेबल हो गया है। ठीक ना, पहले क्या होता था ना यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, और अभी देख सकते हैं पूरा सेफ्टी लाइट वगैरह सब अवेलेबल हो गया है। Trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I? So guys, तो अभी हम पेट्रोल पंप आए थे, ठीक है? पेट्रोल भरवा लिए हैं और निकलते हैं वहाँ से। ठीक है, चेकिंग आज पता नहीं बहुत हार्ड हो रखा है। ओ भाई हो गया दिक्कत यार, चलते हैं अब। बहुत डर लग रहा है मुझे, पता है कहाँ जहाँ तहाँ बाइक रुक जाता है ना, और बैटरी पे दिखाने लगता है लो बैटरी लेवल, तो फिर अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड का ज़्यादा आ रहा होगा तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे पास सेटअप पूरा रेडी नहीं है। और अभी भी मैं जिसका मतलब कि एक लड़का का सेटअप लेके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, निखिल नाम है उसका, इस निखिल ब्लॉग, आपने तो हर ब्लॉग में मेरा देखा होगा उसे। तो जिस दिन वो फ्री रहता है उस दिन मैं उसका कैमरा लेके ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, और वैसे फ़ोन से कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको अभी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करना, उसको सिर्फ सेकेंड हैंड बाइक का है, तो उसको माइक का जरूरत पड़ेगा, लेकिन तब भी उसका काम चल रहा है तो वो चला रहा है। ठीक है, मेरे को चाहिए माइक, और माइक और एडेप्टर सब चीज़ जो सेटअप लगता है GoPro में वो चाहिए, तो अभी एग्जैक्टली मेरे पास वो है नहीं। मैं फरवरी तक उम्मीद करता हूँ मैं जाके ले आऊँगा, सारा सेटअप ले आऊँगा, तो इसलिए थोड़ा अगर साउंड में दिक्कत आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं और यहीं पे आर्मन जो भी ब्रांड है आपका बैटरी का, ठीक है, उनका यहीं पे है। ठीक है, तो खैर इधर से ही जाना है, हाँ इधर से ही जाना है, चलिए कोई नहीं चलते हैं। हवा
रेडी है भैया बैटरी? हाँ 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 के टी एम का ये वाला ना, एक कैमरा है मोटो ब्लॉगिंग यूट्यूब पर क्या हो रहा है ना, तीन दिन चार्ज लगा रहे हैं, फुल चार्ज लगवा रहे हैं, तीन दिन बाद बैटरी पूरा डाउन। एक छोटा बैटरी से हम गाड़ी स्टार्ट करके आए हैं, गाड़ी चला है देख लीजिए, छोटा बैटरी लगा हुआ है नॉर्मल बाइक का, लेकिन इतना बड़ा बैटरी संभाल नहीं पा रहा है, बैटरी में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो देख लीजिए आप लोग क्या बात है, चेक कर रहे हो कैसे बैटरी ठीक है? देखिए सो कर रहा है। अच्छा तो फिर आप बोले थे गाड़ी लेके आने के लिए, गाड़ी लेके आए, बोले हम गाड़ी चेक कर लेंगे, तो गाड़ी चेक कर लीजिए, अगर मेरा गाड़ी में फॉल्ट रहा तो हम गाड़ी जाके दिखवाएंगे। हाँ तो अभी कुछ चेक कर लीजिए। तो गाइस अभी हमारा बाइक चेक होगा, ठीक है, बैटरी बता रहे हैं भैया बैटरी ठीक ठाक है, बोल रहे हैं बाइक में तुम्हारा चेक करते हैं, बाइक अगर गलत रहा तो फिर जाके बाइक को सर्विस करवाना पड़ेगा, शायद कुछ प्रॉब्लम आ सके। कोई नहीं चलिए देखते हैं क्या होता है। सो गाइस तो हमारा बैटरी खुल चुका है, जो मैंने अभी रोने का बैटरी लगा के आया था, ठीक है, और भैया चेक करेंगे बाइक में ही, अगर फॉल्ट रहा तो फिर बाइक को जाके सर्विस सेंटर घुसाना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाइक में अगर फॉल्ट निकला तो फिर ठीक है, वरना आगे देखा जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं भैया पहले बैटरी को बाइक में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर चेकिंग होगा, तो चलिए वीडियो में बने हुए रहिए, देखते हैं क्या निकलता है। जैसे बैटरी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, चाबी लगा दे क्या भैया? अभी तो भैया अपना जो भी गैजेट मीटर वगैरह है अपना लेके आए, ठीक है, और चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए ये आपका फुल चार्ज है बैटरी, ठीक है ना, अब आप गाड़ी निकल करिए, न्यूट्रल करें, स्टार्ट कर लीजिए, बोलेंगे स्टार्ट करिएगा, ठीक है, इसका बड़ा स्टैंड नहीं है? बड़ा स्टैंड नहीं, नहीं बड़ा स्टैंड नहीं है, थोड़ा पकड़िएगा, तो हेलमेट थोड़ा पकड़ लीजिएगा, नहीं आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, पूरा बैठिए, पूरा बैठिए, बैठिए पकड़ो, इधर आओ, पूरे हेलमेट उधर रखो, हम जब बोलेंगे ना तब आप चेक मारिएगा, ठीक है। देखिए वोल्टेज कितना था, चाबी लगाने के बाद कितना गिर गया, तेरह कुछ था ना, था ना, आपका गाड़ी में लीकेज करेंट है, मारिए में आपका गाड़ी को उठ जाएगा। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितना में आप लोग तो रोड में उठना चलिएगा ना, उठना चाहिए मीटर में, मीटर उठना चाहिए 1440, ठीक है, थोड़ी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका रोड में पिकअप है, ये पिकअप ये इतना बड़ा है, ये आपका बड़ा, ये गाड़ी का आवाज़ सुनिए कितना बड़ा, ये आपका रोड में चलेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं भागेगा, पाँच हो रहा है यहाँ, जो रेस दे रहे हैं ना वो रेस में यहाँ होना चाहिए 1440, 1420 होगा रात में, 1440 हो जाएगा, क्योंकि रात में आपका लैंड पैक चलाइएगा ना, 1440 1420 में ही आपका सब काम, और आपका गाड़ी का जो टैक्सी सर्टिफिकेट है वो आप जरूर दिखाइए। देखिए अभी आपका ओरिजिनल चार्जिंग आ गया, तो हम लगाए थे आपको चार्जिंग दिखाए थे, बंद कर दिए, देखिए बैटरी कितना जल्दी गिरेगा, देखिए देखिए गिर रहा, देखिए 98 ना, जैसे हम चाबी ऑन करेंगे लेकिन ये अपना काम चालू कर देगा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो गाड़ी आप तो
कुछ तो नहीं ना किया आप तो गाड़ी आपका खड़ा किया है तो गिरते जा रहा है तो बैटरी गिर रहा ना आपका पूरा गाड़ी का लाइन में डिस्टर्ब है जब हाँ पूरा लाइन में वायरिंग में अभी फिर मारिए देखिए यहाँ पर 11 आएगा फिर एक बार सेल मारिए आप 10-11 आप गाड़ी को वहाँ सम्राट वहाँ गाड़ी को छोड़ दीजिए बोलिए मेरा बैटरी चेक करवा रहे रुक दो मिनट हम तेरे को फोन करते हैं उसको जाके बोलिए कि मेरा गाड़ी का चार्जिंग तो देखिए एक नंबर और दूसरा मेरा गाड़ी में कहीं छोटा माइनर लीकेज करंट है बोलेगा नहीं मानेगा ना आप ऐसा मीटर लगा के उसको दिखा दीजिएगा बोले ये घटना नहीं चाहिए क्योंकि अभी आप समझिए मेरे दुकान पर आए आपका चाबी ऑफ है सब कुछ ऑफ है आप ऑफ ऑन करने के बाद अगर इसको ऐसे करिएगा तो आपका गाड़ी ऑन नहीं है आप चला नहीं रहे तो कम से कम बैटरी तो वोल्टेज वोल्टेज खड़ा है मतलब खड़ा रहना चाहिए जी हाँ ऐसे करिएगा तो आपका डाउन हो जाएगा समझिए कहीं पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गाड़ी का चाबी बंद कर नहीं हुआ है क्या हुआ है पेट्रोल पंप पे तेल लेने के लिए चाबी बंद किया पेट्रोल लिए लगाएं लो बैटरी समझ में नहीं आया फिर ठेल के स्टार्ट किए फिर घर गए फिर ब्रिज पे फिर देखिए कितना गिर रहा देखिए आप देख सकते कितना गिर जाएगा देखिए आपको हम 13 समथिंग कुछ दिए थे वोल्टेज अभी देखिए सो गाइस तो गाड़ी में ही फॉल्ट है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर में ठीक है तो मीटर जैसे कि गाड़ी बंद है अभी चाबी ऑन नहीं है लेकिन मीटर गिरते जा रहा है अभी 95 था फिर 93 हो गया फिर वैसे ही बढ़ता है घटता है तो ये होना नहीं चाहिए ठीक है तो चलते देखते गाड़ी को ही पहले दिखवा लेते हैं अगर फिर गाड़ी दिखवा लेने के बाद भी होगा सो फाइनली गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं ठीक है वहाँ से हम लोग अरमोन जो बैटरी सर्विस सेंटर गए थे वहाँ से निकल चुके हैं भैया ने चेकिंग वेकिंग करके बता दिया कि हाँ आपके बाइक में ही फॉल्ट है तो अब उतना इशू लेने का नहीं है और देखते हैं जैसा भी होगा अब बाइक को सर्विस कराना पड़े तो सर्विस कराएंगे ठीक है बाइक में कुछ भी अगर मोटर वगैरह ख़राब है जो चार्जिंग जो यहाँ पे होता है ना वो चार्ज नहीं ले रहा है बैटरी मीटर मतलब कि बाइक बंद हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जा रहा है तो इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम लोग चलेंगे शशि भैया गैरेज क्योंकि शशि भैया ने मुझे बोला था कि बैटरी अगर आप लगा लेना तो मेरे पास आना ठीक है शशि भैया अभी चेक करेंगे और शशि भैया से समझ बूझ के मैं बाइक को वहीं पर सर्विस में दे दूँगा और फिर देखता हूँ क्या कॉस्ट पड़ने वाली है और कुछ भी मेरे को शशि भैया बोले थे आना बता दूंगा तो यहाँ से गाइस चलते हैं डायरेक्ट शशि भैया के गैरेज ठीक है तो चलिए मिलते हैं सो गाइस तो हम लोग पहुँच चुके हैं शशि भैया के गैरेज पे ठीक है तो यहीं से नीचे शशि भैया का गैरेज है तो चलते हैं शशि भैया से मिलते हैं और शशि भैया को दिखाते हैं अपना बाइक और फिर देखते हैं चलिए तो ये रहा शशि भैया का गैरेज ठीक है कहाँ है शशि भैया आसनसोल।